7 फुट के नरेंद्र मोदी जी एक वीडियो ट्वीट करते हैं कि 7 फुट के नरेंद्र मोदी जी और 3 फुट के रामलला को राम मंदिर छोड़ने जा रहे हैं, आपकी आस्था कहाँ चली जाती है? क्या राजा के आगे आपकी आस्था फीकी पड़ जाती है? बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हम कहते हैं मुसलमानों को जाना चाहिए, विवाद खत्म हो रहा। हम इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और जो है केंद्रीय नेतृत्व को और राजनाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भारत का नव निर्माण करें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ से बेरोजगारी दूर करें, भ्रष्टाचार दूर करें, महंगाई दूर करें, बेबसी लाचारी दूर करें। दूसरी चीज है, सबको जिनको वहाँ नियुक्ता मिला है सबको जाना चाहिए। और यही समाजवादी पार्टी की नाम नीति देख लीजिए, आजम साहब को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर लाने वाले हैं। नमस्कार, वार्ता 24 में न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनूप चौधरी और बात करेंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। काफी दिव्य भव्य और अलौकिक कार्यक्रम होना है और करीब 500 सालों के बाद प्रभु राम अपने दिव्य और भव्य स्थान पर विराजमान होंगे। इससे पहले वो कई वर्षों तक त्रिपाल में रहे। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कुछ लोगों से। सर, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, एक तो हिंदू और खासतौर से सनातनियों के लिए, सनातन जो धर्म के मानने वाले उनके लिए काफी गर्व की बात है। क्या कहना चाहेंगे जो 22 तारीख को दो कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, सनातनी धर्म के मानने वाले सदियों से हैं, आज से नहीं है। दूसरी बात, गर्व क्या है? गर्व तो हमेशा रहा है, भगवान तो कण कण में है ना, कण कण में है, जन जन में है, तो भगवान तो वहाँ है। 24 या 22 तारीख को जो ये करने जा रहे हैं, 22 तारीख को भव्य, आपने कहा कि भव्य जो है कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसी तरह से मंदिर बनवाने के बाद या लोकार्पण करने के बाद या प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भारत का नव निर्माण करें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ से बेरोजगारी दूर करें, भ्रष्टाचार दूर करें, महंगाई दूर करें, बेबसी लाचारी दूर करें, तब जाके जो है भारत के लोग खुशहाल होंगे। राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग जिस तरह से राम पर व्यापार करने का नियत से काम कर रहे हैं, ये गलत है। जनता इसको देख रही है कि कल वहां टिकट लगाएंगी और उसके बाद व्यापार करेंगी। ये राम आस्था का विषय, यहां से व्यापार नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं, हम आस्था रखते हैं, भगवान कण कण में है, लेकिन जिस तरह से इसको जो है बहुत प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी पे नहीं बोलते हैं, महंगाई पे नहीं बोलते हैं, समझा, भ्रष्टाचार पे नहीं बोलते। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, वहां भी भ्रष्टाचार हुआ जमीनों के खेल में, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। तो हर जगह तो इस तरह की बातों को छिपाया जा रहा है और मंदिर के नाम पर ये लोग जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के बखान कर रहे हैं कि भव्य मंदिर बना। अभी सुना है कि पूरा बना भी नहीं है, और उसका जो सनातन धर्म में है कि जब किसी चीज का पूरा निर्माण हो जाता है तब जो है उसका लोकार्पण या प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो भी है। बिल्कुल लालजी जी, आपने जैसा कहा कि अभी मंदिर पूरा बना भी नहीं है, और मुझे लगता है कई, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कई लोग भी कह रहे हैं, चुनाव को देखते हुए अर्ध निर्मित जो मंदिर है उसका निर्माण, उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और यही वजह है कांग्रेस ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि वो चुनाव से पहले जिस तरह से अर्ध निर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो गलत है, और भारतीय जनता पार्टी इसका जो है उसके लिए यह परियोजना है, आस्था नहीं परियोजना है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है, और इस आरोप को लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए या सोनिया गांधी की बात की जाए या राहुल गांधी की बात की जाए, उन्होंने जाने से, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है? देखिए, वो पार्टियों का विषय है, लेकिन आस्था वाले जितने हैं, जितने सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि अभी अधूरा है, पूरा निर्माण हो जाता तब आप प्राण प्रतिष्ठा कराते, अच्छी बात थी। और दूसरी बात, राजनैतिक व्यक्ति साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपनाता है, तो वो अगर प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेगा? करना है तो शंकराचार्य जी लोग आवे, जो आपके देश में 4 शंकराचार्य हैं, सुनते हैं बहुत बड़े बड़े वाले हैं, मुझे तो जितना ज्ञान है, जितना मैंने सुना पढ़ा सुना हूं कि बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, तो ये शंकराचार्य का काम है, ना कि राजनीतिक व्यक्ति का काम है कि प्राण प्रतिष्ठा करे। जो ये भगवान का राजनीतिकरण कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, और भगवान पर व्यापार नहीं होना चाहिए। भगवान पर व्यापार नहीं होना चाहिए, भगवान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आदिल सिद्दीकी नाम है मेरा। आदिल जी, जिस तरह से 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम काफी दिव्य भव्य बनाने जा रही है, लेकिन वही कांग्रेस का कहना है कि भगवान के नाम पर
राजनीति की जा रही और जिस तरह से अर्धनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो गलत है। और कांग्रेस ने ये भी कहा, भाजपा पे आरोप लगाया है कि वो इसका जो है परियोजना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, राम नाम का एक वो सहारा ले रही राजनीति। क्या कहना और इसको मानते हुए जो राहुल गांधी हैं या फिर सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय, उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया, आपकी क्या राय है एज ए नागरिक? मेरी राय है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पूरे देश के हिंदुओं को जाना चाहिए। बीजेपी का जो इवेंट है, वोटों का इवेंट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, उसको जवाब देना चाहिए कि राम मोदी जी राम को नहीं लाए हैं, राम मोदी जी को लाए हैं। बीजेपी का जवाब देने के लिए अपनी जो पिच बनाती है बीजेपी, उसी पर सबको बैटिंग कराती है और सब उसी जाल में फंस जाते हैं। उनको ये बताना चाहिए मोदी जी आपको राम लाए ना कि राम आपको लाए, यह बात कभी कांग्रेस ये नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन आदिल भाई क्या लगता है कि कांग्रेस इस वजह से नहीं जा रही 22 तारीख, क्योंकि मुस्लिम वोट उसका छिटक जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस को जाना चाहिए। आप राम में आस्था रखते हैं तो आपको जाना चाहिए 22 तारीख को। ये जरूरी नहीं कि आप 22 तारीख को जाइए, आप 20 तारीख को चले जाइए। जरूरी नहीं कि उस इवेंट में जाइए जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वोटों के नाम पे करा रही है। वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इसमें वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। जाएंगे सब, दलित भी जाएंगे, ओबीसी भी जाएंगे, जाएंगे सब, लेकिन वोट आपको नहीं देंगे क्योंकि जनता भूखी सो रही है। आपको जागना पड़ेगा। अभी रुकेंगे, अभी आपके पास फिर आएंगे और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शराफत अली। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने 22 तारीख को वहां जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही वहां जाने से मना कर दिया, क्या लगता है उनको डर है कि मुस्लिम वोट छिटक ना जाए, मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर कांग्रेस इतनी बड़ी ही मुसलमानों की हमदर्द होती तो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा मुसलमान कांग्रेस के पास नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में नेता विरोधी दल खड़गे और कमेटी के चेयरमैन राज्यसभा में खड़गे जी। दूसरी चीज़, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। अगर राम के नाम पे और राम का इतना बड़ा मंदिर, उसने जो अगर संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया है और 220 साल की ये लड़ाई मस्जिद और मंदिर की ख़त्म किया है, आप इसी पर आंकड़ा लगा लीजिए। मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान हो, और समाजवादी पार्टी का क्या नारा रहा, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में तलवार हो। दूसरी चीज़ है, सबको जिनको वहाँ न्योता मिला है सबको जाना चाहिए, और यही समाजवादी पार्टी की नाम नीति देख लीजिए। आजम साहब को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर लाने वाले हैं, केवल अखिलेश जी अपना को ही बच रहे हैं। और अयोध्या का जो मंदिर का ताला है वो 88 में राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था, तो कोई जो है खुदा घेर में फंसी हुई है कांग्रेस, तो कांग्रेस वहां जाके करेगी क्या? लड़ाई तो कांग्रेस ने ही इसकी उभारी है, राजू जी के ही कार्यकाल में ताला खुला था। आपसे कहना जा रहे हैं आप, देखिए जो राम मंदिर का पूरा खेल है, बाबरी मस्जिद को विवादित बनाने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो ताला ना खुलवाता ना वो मैटर कोर्ट में जाता। मेरा कोर्ट से एक सवाल है, आप हर बात को संज्ञान में लेते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद को गिराना, एक कोर्ट ने भी माना कि वो क्रिमिनल है, लेकिन उस क्रिमिनल किसी एक क्रिमिनल को सजा हुई? बाबरी मस्जिद कोर्ट ने भी माना कि वो बाबरी मस्जिद थी, उसको गिराया गया, लेकिन उसके गिराने के की सजा किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी आदमी को मिली? मेरा एक आम जनता का ऐसे एक सवाल है इस देश की न्यायपालिका से। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने गलत किया, लेकिन अब तो कांग्रेस के पास आमंत्रण गया है कि उनको बुलावा गया है 22 तारीख को वहां आए, तो ऐसे में उन लोगों ने मना क्यों कर दिया? कांग्रेस की बात नहीं है, वोट बैंक की। अभी माननीय कल्याण सिंह जी खत्म हुए थे पिछले साल, तो कल्याण सिंह जी की एक मिट्टी में अखिलेश यादव जी नहीं गए थे और बहन जी गए थे, तो अखिलेश यादव जी भी तो अपना मुसलमान वोट बचा रहे हैं। जानत भी कल्याण सिंह जी को तो विचार, कल्याण सिंह की तो भी उसमें जाना चाहिए था अखिलेश यादव जी को, आप यही समझ लीजिए। तो वोट की राजनीति हो रही, जाने की बात नहीं हो रही है, और कांग्रेस मुसलमानों की वोट पर टिकी भी है। उत्तर प्रदेश में अगर उबेसी आते हैं कहते हैं बीजेपी भी टीम दलाल, और अखिलेश यादव भी सीबीआई से बच रहे हैं, और बहन मायावती भी भारतीय जनता पार्टी से 3 बार सरकार चला चुकी, और उबेसी जो है मेरठ या मुरादाबाद से, कांग्रेस को जाना चाहिए वहां पे। बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, हम कहते हैं मुसलमानों को जाना चाहिए, विवाद खत्म हो रहा। हम इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और जो है केंद्रीय नेतृत्व को राजनाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहते हैं। शराफत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, सॉरी आदिल जी। देखिए, मुसलमान क्यों जाए? शराफत जी से पूछना चाहिए मुसलमान क्यों जाए?
मंदिर में जाने के बाद वहाँ लिंचिंग हो जाए लोगों की। देखिए हम आपको एक बता दें, एक विवाद टला है और हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे लिए जैसे हमारी बहन फातिमा है वैसे हमारी बहन सीता जी भी है, हम दोनों का सम्मान कर रहे हैं और ये तो अपनी अपनी सोच है। सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब अगर हम जाएं वहाँ लिंचिंग हो जाए, लगातार ऐसे ही घटनाओं पे लिंचिंग हुई, केस हुआ, एफआईआर हुआ, लोगों जेल में जाए, आप जाना। अभी तक कहते थे लोग कि मुसलमानों को भाजपा खा डालेगी। भाई साहब मोदी जी ने नारा दिया है कि एक हाथ में लैपटॉप हो एक हाथ में कुरान हो, और समाजवादी पार्टी ने कहा था एक हाथ में तलवार हो एक हाथ में कुरान हो। ये नारों की सरकार है, सिर्फ नारे लगाना जानती है, बाकी कुछ करना नहीं जानती। समाजवादी पीछे क्यों मुसलमान? समाजवादी भी नारे ही की सरकार है, सब जनता की सरकार कौन सी है? अगर उवैसी साहब कोई बात कह रहे हैं तब तो कहेंगे बीजेपी टीम दलाल, समझो पतले जी नहीं बच रहे। हमारा सवाल बस यही है कि क्या उनको सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को आखिर वो जाने से मना क्यों कर दिए हैं? सत्ता विपक्ष को सबको जाना चाहिए। और मोदी, मैं आस्था के नाम पर कुछ कहना चाहता हूँ इन इस देश के सनातनियों से। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपकी आस्था तब कहाँ चली जाती है जब 7 फुट के नरेंद्र मोदी जी एक वीडियो ट्वीट करते हैं कि 7 फुट के नरेंद्र मोदी जी और 3 फुट के रामलला को राम मंदिर छोड़ने जा रहे हैं। आपकी आस्था कहाँ चली जाती है? क्या राजा के आगे आपकी आस्था फीकी पड़ जाती है? इस देश के राजा से डरते हैं आप, आपकी आस्था भी डरती है, जानना। हम आपको बता दें, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि 20 साल का ये विवाद जो है खत्म हुआ, इसी की कमाई जो है किसी को हम नहीं कहना चाहते। समाजवादी की थ्रू मुकदमा बाबरी मस्जिद का लड़ा गया और उसने कुछ नहीं मिला, तमाम चंदा मुसलमानों में भी लोग खा गए। हम माननीय प्रधानमंत्री सभी की अपनी अपनी राय है, किसी का कहना है कि आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ ना करे, किसी का कहना है धर्म का राजनीति ना करण। और सीधी सी बात है, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने न्योता देने के बावजूद भी वहां जाने से मना किया है 22 तारीख को। जितने भी लोगों से बात की, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनका साफ कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए, वोटों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वीडियो जर्नी अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, वार्ता 24 न्यूज़, लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।